सही है तो इसके लिए हमें उर्दू ग्रामर जो है बेसिकली बहुत अच्छी आ जानी चाहिए क्योंकि मेरी तो बहुत पर्सनली बहुत ख़राब है सो आई एम टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर आई एम टेकिंग हेल्प फॉर सर हैं जो कि बेसिकली मैं जिनसे पढ़ रही हूँ उर्दू आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू हिम क्योंकि जिस तरह से वो मुझे उर्दू पढ़ा रहे हैं डेफिनेटली आई वुड बी क्लियर उर्दू एज़ वेल ठीक है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से उर्दू ऐसे समझाते हैं कि वो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती राइट right? सो आई एम वी वेरी थैंकफुल और आई एम वेरी थैंकफुल जो है उसके बाद हम बात करते हैं भाई जो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया बेसिकली आई है्रामर क्योंकि कुछ लिस्टें हैं वो तो याद करने वाली होती हैं द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर शुड बी क्लियर फर्स्ट ठीक है first, तो हमें सबसे पहले क्या करना है हमें अपनी ग्रामर जो है उर्दू ग्रामर वो क्लियर करनी है द वे वी हैव लर्नच और प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर तो हमें इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अच्छा अब बात करते हैं वैन वी टॉक अबाउट ग्रामर उर्दू ग्रामर तो आपने एक चीज़ सुनी होगी इसम बहुत कॉमन है क्योंकि वट इज़ इसम अगर मैं बात करूँ इसम तो ये तो इसम बेसिकली होता है नाउन अच्छा आई एम गोइंग टू राइट दी रेफरेंसेज सो कि ताकि आपको क्या हो पता चल सके यस्टरडे आई वॉज अटेम्प्टिंग उर्दू पास पेपर्स तो मुझे बहुत आसानी हुई एंड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ दूस वर्ड करेक्ट लाइक दैट आई ट्राई उसके बाद हम बात करते हैं भाई इसमें मतलब तो इसम की टू ब्रांचेस हैं दिस इस इज इस इसमें मारफा एंड इसमें नकरा इसमें मार्फा एंड इसमें नकरा अब देखो इसमें नकरा जो है जाहिर सी बात है कि वो कहते हैं कि दिस इज़ अ वेरी कॉमन नाउन ठीक है यहाँ पे हमारे पास आ जाती है कॉमन नाउन की और यहाँ पे मार्फा हमारे पास आ जाएगी प्रॉपर नाउन की ठीक है तो इसमें मार्फा अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो दिस इज अ प्रॉपर नाउन और जो हमारे पास इसमें नक़रा हैं दिस इज़ अ कॉमन नाउन अच्छा इन सब की जो है वो ब्रांचेस हैं जैसे हम और पढ़ते हैं कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन की तो फिलहाल हम उसकी बात करते हैं कि भाई प्रॉपर नाउन अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूँ तो भाई उसमें भी ब्रांचेस मौजूद हैं सही है अब उसमें जो मौजूद हैं उसमें हमारे पास आता है इलम कुनियत, अरफियत लकब एंड खिताब आई एम सो सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस करूँ सो so, डू नॉट माइंड बट ये है कि आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं खुद भी समझूँ और मैं आपको भी समझाऊँ सो दैट वी बोथ वुड बी बेनिफिट अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास आ रही है बात कि मारफा मारफा की ब्रांचेस मैंने आपको बता दिया है कुनियत है अर्फियत है उर्फियत या अर्फियत राइट right? और लकब है और खिताब है डेफिनेटली बाई पासिंग टाइम मैं उर्दू को भी अच्छा कर लूँगी आई बिलीव सो और मुझे इस चीज़ की उम्मीद है कि मैं उर्दू अच्छी पढ़ने लगूंगी फिर हमारी बात आ रही है भाई अगर मैं बात करूँ कि ये ये हमारे पास है ब्रांचेस जो कि कहाँ से निकली है मार्फा की ब्रांचेस हैं ठीक है थीके? अब ये जो ब्रांचेस हैं उसके अंदर सबसे पहले मेरे पास आ रही है अलम अलम बेसिकली होता है बर्थ नेम ठीक है बर्थ नेम बर्थ नेम जो कि दूसरे आपको देते हैं जब आपकी पैदाइश होती है तो जिस वक्त आपको जो नाम मिलता है वो बेसिकली होता है अलम अब अलम डेफिनेटली आपका उसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं होता यू आर नॉट सपोज टू गिव योर सेल्फ नेम तो यहाँ पे जो भी आपको कोई नाम दे दिया दे देते दे हैं वो आपको रखना पड़ता है तो जैसे मेरा नाम है उरूज राइट सो दिस इज़ माय बर्थ नेम एंड दिस इज दी अलम राइट और जवेरिया या गजनफर ये बेसिकली क्या है दि इज़ आर द नेम दि इज़ आर दर्थ नेम राइट उसके बाद मेरे पास आ रहा है कुनियत सेकेंड वन इज़ कुनियत अब कुनियत में मैंने कह दिया कि भाई जो रेफरेंस दिया जाता है ठीक है यहाँ पे मैं अगर बात करूँ नस्बत तो ये मैंने नस्बत लिखा है अपनी रिमेम्बरेंस के लिए क्योंकि मैं भी कोई उर्दू में इतनी अच्छी नहीं हूँ सही है तो मेरे पास आ रहा है कुनियत अब कुनियत में मैंने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कासिम ठीक है बशर अबू हुरैरा ठीक है अबू तुरा अब ये सारे क्या है इन ये बेसिकली रेफरेंस के थ्रू जो है ना इनमें इनको बोला जा रहा है ठीक है इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे अबू कासिम ठीक है यहाँ पे किसी का हवाला दिया जा रहा है जब आप किसी चीज से किसी को रिलेट करके या किसी को रेफर करके बात कर रहे होते हो तो यू विल यूज दिस अबू एंड दिस इज बेसिकली एंडलीत ठीक है अब थर्ड वन मेरे पास आ रहा है जैसे अच्छा इसके अंदर हमारे पास इबन मरियम भी आ सकता है इबन मरियम भी कुयत में आएगा ठीक है अब मेरे पास तीसरा आ रहा है उर्फियत उर्फियत बेसिकली वो होता है जो कि हम प्यार से किसी को कहते हैं जैसे हम कहते हैं निक नेम तो निक नेम बेसिकली क्या है हमारे पास उर्फियत हैं गुड्डू पप्पू गप्पू या कुछ भी आप कहते हैं तो जी ज नेम वो क्या है हमारे पास उर्फियत में आते हैं ठीक है फिर हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका दिस इज़ इस दी लकअप अब लकअप जो है वो डेफिनेटली भाई मैं आपको सिंपल वे में याद कराती हूँ जिस तरह से मैंने याद कराया जिस तरह से मुझे समझाया गया है, है कि जो आवाम आपको टाइटल देती है ठीक है जो अवाम किसी वजह से या आपकी पर्सनालिटी की वजह से या आपकी खिदमत की वजह से जो आपको नाम मिलता है वो आपका क्या होता है वो आपका लकब बन जाता है ठीक है जैसे हमारे पास एक चीज है अवाम ने अमीन खातून जन्नत कायद आज़म शहीद मिलत दीज आर द दकब ठीक है ये लोगों ने नाम दिए थे किसने नाम दिए थे लोगों ने नाम दिए थे सो ये होते हैं लकब में जो इसमें आते हैं फिर हमारे पास इसका पांचवा पार्ट है दैट इज़ द खिताब अब खिताब क्या है ये वो टाइटल है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है ठीक है ये क्या है ये हुकूमत की तरफ से जो दिया जाने वाला नाम है वो उसको हम कहते हैं खिताब ठीक है तो खिताब में हमारे पास आता है निशान हैदर शमसमा और सर ठीक है जैसे सर सैयद अहमद ख़ान ये सारे वो टाइटल्स हैं जो कि हुकूमत की तरफ से मिले तो खिताब बेसिकली क्या है जो कि हुकूमत की तरफ से मिलता है लकअ क्या है जो कि आवाम देती है उनके किसी किरदार की वजह से उर्फियत क्या है जो कि आप प्यार से किसी को कहते हो दिस इज़ उर्फियत कुत क्या है जो कि आप रेफर रेफरेंस यूज करते हो डॉटर ऑफ सन ऑफ केयर ऑफ यहाँ पे आप रेफरेंस यूज कर रहे हो ना सो so ये हमारे पास आ रहा है कुनियत फिर अलम है हमारे पास बेसिकली द बर्थ नेम जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता इट्स बेसिकली गिवन एच योर बर्थ टाइम ठीक है तो जैसे मेरा नाम उरूज है तो यहाँ पे उरूज लिखा हुआ है दिस इज अलम ओके दिस इज ऑल अबाउट इस बेसिकली इसमें मार्फा वी विल गो विद नकरा इन द दिकिड वीडियो थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपको उर्दू समझ आई हो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट आई एम वेरी बेट एट उर्दू बट डेफिनेटली जैसे जैसे मैं सीखूंगी मैं आपको भी सिखाऊंगी इससे दो फायदे होंगे एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपको भी साथ से समझ आएगा और दूसरी बात यह है कि मेरा भी मेमोराइज अच्छा हो जाएगा और जब हम किसी को समझाते हैं या पढ़ाते हैं तो उसमें हमारी ज्यादा लर्निंग होती है अगर आपको ये चीज कहीं पे भी कुछ ऐसा लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा उर्दू में मैं फेस्ट हूँ या फिर अनक्लियर हूँ तो डू राइट इन द कामेंट तो आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ थैंक यू सो मच वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो उर्दू हो इंग्लिश हो मैथ्स हो बट आई विल कीप ऑन मेकिंग द वीडियो एज आई प्रोमिस आइडियर कि मैं ईद के बाद कंटिन्यूस वीडियोज बनाऊँगी जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी जो, जो मैं पढ़ चुकी हूँ ठीक है डेफिनेटली जो मैंने नहीं पढ़ा डेफिनेटली वी मैं भी आपको नहीं पढ़ा सकती आई हैव टू लर्न फर्स्ट सो दैट आई कैन कन्वे द मैसेज थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखेगा ईद इन्जॉय करें अल्लाह हाफिज़